नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन शुक्ला ब्लॉग्स। तो दोस्तों, बॉलीवुड की जो खतरनाक सच्चाई का जहरीली पिटारा मैं जो बोलूं, संजय लीला भंसाली ने पूरी तरह खोल दिया है। तो दोस्तों, जिस रणबीर सिंह से मैं कहूं तो सख्ती के साथ जो पूछताछ होनी चाहिए थी, उससे किसी ने एक सवाल नहीं पूछा। पुलिस ने उसे कभी थाने नहीं पहुंचाया, क्योंकि ये जो पूरा मामला था, ऐसा अफवाह उड़ रहा था कि कहीं ना कहीं जो सुशांत सिंह को जो तीन बड़ी फिल्में मिलने वाली थी, मैं कहूं तो बाजीराव मस्तानी और पद्मावत और गोलियों की रासलीला, वो तीनों फिल्में जो रणबीर सिंह ने ले लिया। तो आइए मैं पूरी ये जो कहानी है बताता हूं, और आप इस पूरी वीडियो को देखना, आपको बहुत गुस्सा आएगा, और आप ये पूरी कड़वी सच्चाई है उसे आप जान जाओगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, जब पिछले दिन जैसे ही हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत ने उन्होंने जैसे ही सुसाइड किया, तो उसके बाद जो हमारी मुंबई की पुलिस है तमाम लोगों से ऐसी पूछताछ कर रही थी कि पूरा मामला क्या था। और इसी बीच जो पूछताछ के लिए मैं बताऊं तो संजय लीला भंसाली को जब पुलिस थाने बुलाया गया, तो उन्होंने अपने ऐसा बयान दिया, मैं कहूं तो बहुत ही चौंकाने वाला बयान था। उन्होंने ये पूरा मामला बताया कि वो जो अपनी तीन बड़ी फिल्में बना रहे थे, जो बाजीराव मस्तानी, गोलियों की रासलीला और पद्मावत, वो इन तीनों फिल्मों में जो हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जो आदित्य चोपड़ा है उनके साथ अनुबंध में बंधे के कारण वो ये तीनों फिल्म जो सुशांत भाई नहीं कर पाए। मैं कहूँ तो जो संजय लीला भंसाली है, इन तीनों फिल्मों के लिए उन्होंने सुशांत भाई को साइन करवा लिया था, और जो सुशांत भाई ये तीनों फिल्मों को करने के लिए उन्होंने हामी भी भर दी थी, लेकिन जो आदित्य चोपड़ा है उन्होंने अनुमति नहीं दी, जिस कारण जो सुशांत भाई है इन तीनों फिल्मों में नहीं रह पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता था कि ये तीनों फिल्म जो ना मिली हमारे सुशांत भाई को, तो इस कारण ऐसा लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि फिल्में ना मिलने के कारण उन्होंने पूरा ये मामला हुआ सुसाइड कर लिया। लेकिन जरा सोचो भाई, मतलब आप भी सोचो यार, जिसके पास 8 करोड़ रुपए समझते हो कितना होता है, 8 करोड़ में मैं कहूँ तो कोई भी आदमी अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेगा भाई। अगर 5 करोड़ रुपए भी वो बैंक में डाल दे, तो 5 करोड़ का जो ब्याज है उसे खाकर, वो इंटरेस्ट खाकर ही वो अपनी जिंदगी पूरा गुजार देगा। और लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो सुशांत भाई है वो फिल्म नहीं मिले इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो रणबीर सिंह है उनका जो असली नाम है वो रणवीर भवनानी है, और वो जो पाकिस्तान से आकर जो भारत में बस गए हैं, वो पाकिस्तान के शहर कराची में रहते थे, और अभी भी उनके जो कुछ रिश्तेदार हैं वो कराची में हैं। तो ये पूरा मामला ऐसे ही लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो देखा होगा आपने, अभी 2 दिन पहले ही जो सुशांत की फिल्म है दिल बेचारा रिलीज हो चुकी है, और मैं कहूँ तो जो उसके व्यूअर है 10 out of 10 उन्होंने जो उनकी फिल्म है उस पर रेटिंग थी, और जो वीडियो पर इतना मतलब क्राउड बढ़ गया था जब जैसे ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। तो फिल्म तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो न्याय की बात की जाए कि सुशांत भाई को जो मैं कहूँ आत्महत्या या जो भी सुसाइड हुआ है, उसे 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई न्याय नहीं मिला, और लगातार ऐसे आवाज़ उनके फैंस उठा रहे हैं कि CBI की जाँच हो। तो CBI की जो जांच है वो होनी चाहिए, और इस पर बड़े बड़े जो नेता हैं, तमाम बॉलीवुड के ऐसे इंडस्ट्री के जो मैं कहूँ तो दिग्गज कलाकार है, जैसे कंगना रनौत हो गई और भी लोग हैं, वो लगातार आवाज उठा रहे हैं कि CBI की जांच हो। तो आप सब, जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये पूरा मामला आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक सरकार के ऊपर दबाव नहीं बढ़ेगा तो CBI की जाँच नहीं होगी। तो आप ऐसे ही लगातार जो अपना सपोर्ट सुशांत भाई के साथ बनाए रखें, और ये जो बॉलीवुड का एक गैंग है मैं कहूँ तो जो ऐसे ऐसे नए एक्टरों का शोषण करता है, तो इन्हें भी सजा मिलनी चाहिए, और ये नेपोटिज्म शब्द है बॉलीवुड से खत्म हो जाना चाहिए। तो कैसा लगा आपका वीडियो, कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।